कर लेंगे स्टार्ट। तीन तीन ग्राम मिलती है तो इसमें लगाने के डायगोनल होगा जी। हाँ, तो ये 6000 की है। 10000 रुपये पर ग्राम होगा जी। तो ये 6000 की है। हाँ, 10000 रुपये पर ग्राम पर गोली। नहीं पर अभी ये खुद एक फुल फ्लैश थाना हमने स्टार्ट किया है, तो ये ANTF थाने का पहला पर्चा भी है जो MHA के दिशा निर्देश के अनुसार ये थाना बना है हमारा। तो इसमें ये 40 सेक्टर में 16/2/2024 को पेट्रोलिंग के दौरान एक दीपक थापा को 20 ग्राम हेरोइन और 20 ग्राम की कोकेन के साथ अप्रीहेंड किया गया था। उसके बाद इसका 21 NDPS एक्ट पे पर्चा किया और उसके बाद उनकी पूछताछ में सामने आया कि वो ये जो है ड्रग्स है ये नाइजीरियन लोगों से लेता है। उसका पहले क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। दीपक थापा सन ऑफ भीम बहादुर रेजिडेंट ऑफ सेक्टर 38 वेस्ट है। ये पहले बुड़ैल जेल में रहा है मर्डर केस में और वहाँ पे ये नाइजीरियंस के कॉन्टैक्ट में आया जेल में रहते हुए और जेल के निकलने के बाद उसका कॉन्टैक्ट जारी रहा और उसी नाइजीरियन के कॉन्टैक्ट में अपने आगे कॉन्टैक्ट बनाए और उन्हीं से ये कोकेन ले रहा है। तो ये डिस्क्लोज़र में आने के बाद हमारी टीम ये दिल्ली गई और दिल्ली में इन्होंने उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अराउंड 85 ग्राम और कोकेन रिकवर किया। दो नाइजीरियन इन्होंने वहाँ विकास नगर PS रनौला आउटर डिस्ट्रिक्ट दिल्ली के एरिया से दो नेशनल्स को अरेस्ट किया। 85 ग्राम उनसे कोकेन रिकवर हुई और वो सुजुकी बाइक पे मिले थे जहाँ जिस पे वो डिलीवर करने जा रहे थे। तो ये अभी दोनों की हमने पुलिस रिमांड ली 2 दिन की, इनको दोबारा से फिर दिल्ली लेके जाया गया। तो इन दोनों के वहाँ से जो पासपोर्ट और वीज़ा हैं वो भी रिकवर हुए हैं। तो वो दोनों के वीज़ा जो हैं जो ये अफ्रीकन हैं दोनों के एक्सपायर हो चुके हैं। एक का नाम जो है ये नाम भी अपने ठीक से बताते नहीं हैं, तो जो भी पासपोर्ट के हिसाब से पता चला है एक चार्ली है जो सेनेगल का है। कहाँ से लेते हैं और नाइजीरियन से लेते हैं, इनका क्या वहाँ पे नेटवर्क है, खुद प्रोसेसिंग करते हैं, तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसको हम और आगे जो बैकवर्ड लिंकेजेस हैं वहाँ उस दिशा में इसका वैसा नहीं, आगे इसके भी कुरियर्स हैं। ये अराउंड 6 आपका जो 10000 ग्राम के अराउंड ये कोकेन है और हेरोइन आपके अराउंड